नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा चांपा मार्ग के पहाड़ में विराजी मां मड़वा रानी मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचे। पहाड़ी में चढ़ने के दौरान जंगल से पानी भोजन की तलाश में पहुंचे बंदर। बंदरों को पानी बॉटल से पानी पिलाते और भोजन कराते श्रद्धालुओं की दिल छूने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भीषण गर्मी से व्याकुल एक बंदर को महिला बॉटल से पानी पिला रही है। बंदर भी बड़े इत्मीनान से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक महिला ने दो बंदरों को खाने के लिए मुर्रा दिया, जिसे दोनों बंदरों ने खाया। ये जंगली बंदर मानो पालतू बंदर हो। हम आपको बता दें, कोरबा चांपा मार्ग पर करीब 2200 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मां मड़वा रानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। पहाड़ की चोटी में स्थापित माता रानी की न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक महिमा फैली हुई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मीडिया फोर सपोर्ट की खबर का असर। अवैध शराब पर कार्रवाई के नाम पर आबकारी विभाग के कर्मी होंगे निलंबित, विभागीय जांच भी होगी। शराब पकड़ने गई टीम के दो कर्मियों ने लिए थे रुपए। आबकारी विभाग से दो कर्मचारियों को निलंबित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार विभाग हरकत में आया। आबकारी विभाग के कर्मियों ने जुराली गाँव में शराब पकड़ने की आड़ में 15,000 रिश्वत के तौर पर लिए थे। इसी के साथ विभागीय जांच कराने की बात भी कही जा रही है। आबकारी विभाग के कर्मी ग्रामीण के घर में मौजूदगी दर्ज कराने के साथ रुपए ले रहे हैं और इसके हिस्से बंटवारे की बात कर रहे हैं। इस मामले ने आबकारी कर्मचारियों की कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल गांव में अवैध शराब बनाकर बेचने की शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की टीम यहां पहुंची थी। इस दौरान बड़ा केस बनने पर होने वाली परेशानियों का डर दिखाकर 15,000 रुपए लेने गए थे। तभी किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर आबकारी विभाग हरकत में आया। विभाग के सहायक आयुक्त G.R. पैकरा ने बताया कि वीडियो में रुपया लेने का दृश्य सार्वजनिक हो गया है। प्रथम दृष्टि में दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया जा रहा है और आगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब उसकी हमने जांच करने के लिए आदेश कर दिए हैं। अब जांच आने पर ही हम उसका स्पष्ट बता पाएंगे, लेकिन चूंकि पश्चिम देश मीडिया जो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है या देखने को मिल रहा है, उसमें तो स्पष्ट दिखाया जा रहा है पैसा लेते हुए। अब उसका कमर करके एक सिपाही है कटघोरा सर्किल में पोस्टेड पे, दूसरा एक हेड कांस्टेबल है नारायण करके। उसमें अभी तो जांच के लिए भेजे हैं, फिर भी उसको प्रथम दृष्टया जो है निलंबित करने की कार्यवाही करेंगे। अब शराब पकड़ने के लिए गए थे, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि शराब पकड़ने के दौरान में ये सब जितने भी प्रकार की घटनाएं करे हैं उसी समय की, ऐसी शिकायतें अभी तक से नहीं आई हैं। अवैध दारू बिकने की शिकायतें मिली हैं, पर पैसा के लेन देन की शिकायतें हैं पहले ही। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर मार्ग में बाइक में आग लगने से जिंदा जला बाइक सवार, पिकअप में घुस गई थी बाइक, वहीं खड़ी पिकअप से टकराया माजदा, फंसा चालक। बांगो थाना क्षेत्र में पिकअप और सुपर एक्सल बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने से पिकअप के नीचे घुसा बाइक चालक घंटों तक फंसा रहा। हादसे के बाद गाड़ी में आग लगने से एक्सल वाहन के चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम परला में हसदेव पुल के पास गुरुवार की रात हुई। हादसे के बाद सुपर एक्सल और पिकअप में आग लग गई। बाइक चालक मृतक की पहचान कोरबी चौकी अंतर्गत खड़फड़ी पारा निवासी प्यारेलाल के रूप में हुई है। वहीं पिकअप के चालक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना की सूचना पर डायल 112 और मुर्गा चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल भिजवाया गया। इसी दुर्घटना कारित मौके पर खड़े पिकअप वाहन से सुबह एक स्वराज माजदा टकरा गई। माजदा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गाड़ी में फंसा रहा। उसे रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।
कोरबा के तानसेन चौक में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने मांगों का किया समर्थन। कोरबा में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वे अपने नियमितीकरण और वेतन से संबंधित मुद्दे को लेकर हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज बताते हुए समर्थन दिया। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ये सरकार जिस तरह से वादा खिलाफी की है, सब लोग फगुआ सरकार को ठक ठक के वोट ले दी। उसके बाद में अब गले की हड्डी बन गई है। कुछ करो तो सही, वैमानिक को छोड़ो, भ्रष्टाचार को छोड़ो। अभी पूरा दिल्ली को खुश करने के लिए खरबों रुपया क्या बोलते हैं, चुनाव में होगा दो सीट मिला। इससे तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ भी अभी चुनाव हो जाए तो उनकी क्या दुर्दशा होगी। अब पूरा देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, देख रहे रिजल्ट देखिए। आज हमारे समर्थन के दो सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री पहुंचाने के लिए समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी, वर्तमान के रामपुर विधायक आए हुए थे। हमारे समर्थन को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचाने के लिए आश्वस्त किए हैं। ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि मैं जरूर मांग को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा और जहाँ तक हो सके उनको मांग पूरा करवाने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता, मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जबनीपाली, जेलगांव, CSB पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745905
1786 9630307395। कोरबा के बाकी मुंगरा में व्रतियों ने अस्ताचल गामी सूर्य को पहला अर्घ दिया। चार दिनों तक चलने वाले महापर्व चैती छठ का समापन आज हुआ, जिसमें व्रती महिलाओं व पुरुषों द्वारा उगते सूर्य को अर्घ दिया, साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। नहाय खाय से शुरू होकर चार दिनों तक चलने वाले चैती छठ में शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व का समापन हुआ। छठ घाट में व्रतियों द्वारा उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। छठ है नवरात्रि के समय होता है, गर्मी पूजा गर्मी में तो कमर छठ बोलते हैं। ये जो पहले हम लोग का जो नवरात्रि दीपावली के समय होता है उससे थोड़ा ये हार्ड है। गर्मी के समय में थोड़ा पानी वानी मतलब पूरा तीन दिन उपास रहता है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर के प्रभावितों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन करते हुए अपनी मुआवजा की मांग की। वहीं दूसरी ओर एक घंटे ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के कृष्णानगर इकाई ने घोषणा के अनुसार प्रतिदिन एक घंटे अपनी मुआवजा की मांग को लेकर रेलवे के कार्यस्थल पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए मुंह पर काला पट्टी बांधकर मुआवजा की मांग की। प्रदर्शन में ललित महिलांगे संतोष चौहान सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। प्रधान है काला पट्टी बांधे हैं, हमारे रेलवे पता की हमारी मांग है, बार हमारे बच्चा हाथ प्रेम से भी बहन वो सुन ले हमारे गुहार ला उस पर सामन और प्लस जल्द हम मौज दे। पूर्व में हम लोग घोषणा किए थे कि एक घंटा हमेशा हम लोग प्रदर्शन करेंगे करके प्रतिदिन हम लोग एक घंटा करेंगे। आज हम लोग का मौन प्रदर्शन है काला पट्टी बांधकर। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बुधवारी बस्ती में चोरों का धावा, एक घर से की लाखों की चोरी। बुधवारी बस्ती निवासी महेश सिंह के उम्मीदों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उसके घर पर धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपयों के माल पर हाथ साफ कर दिया। बेटी की शादी के लिए घर पर रखे जेवरात पर नकदी रकम लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। 13 जून को उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन चोरी की घटना से बेटी की शादी पर खतरा मंडराने लगा है। चोरों ने पड़ोसी के घर से मोबाइल की भी चोरी कर ली है। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मेरे को सर 6 बजे पता चला कि मम्मी मेरे को जगाई तो बोली बेटा चोरी हुआ है करके। 6 बजे के आसपास मेरे को जानकारी हुई। अलमारी में कैश और गहना था जिसको अलमारी में मास्टर चाबी बना के जो निकाल के पैसा ले गया, लगभग 5 लाख के आसपास का है। पता तो उन्हें सर नहीं चला, अनुभव सर बोल रहे कि 3:30-4 बजे के आसपास ये घटना को अंजाम दिया। मान में सर गहना था, बहन का शादी था 2 महीने बाद और कैश था। गहने में सर चैन अंगूठी और नाक का कान का और बाकी जो भी होता है वो जेवर थे। कैश सर 1.5 लाख प्लस था और बाकी बिक्री विक्री का जो भी पैसा था 2 प्लस 2 के आसपास तो नहीं है, बाकी आस पास के हैं जो भी हैं चोर। पुलिस को सर मैं जाके दिया, मैं और बड़े वाले जिया जी। पुलिस को सर 6:30 बजे के आसपास हम लोग गए कोतवाली थाना रामपुर में, वहाँ पे आवेदन दिए। वहाँ से फिर सर अभी आए पुलिस वाले 7:30-8:30 का। बिल सर उसी में थे बाकी ओरिजिनल, और अगल बगल अगर ऐसे खोजेंगे तो मिल जाएगा बिल सबका। गहना सर बाहर से था, बिहार से अपना हाजीपुर वैशाली जिला से बनवाए थे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247 9827162131।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 7869222258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818848018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रूपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रूपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नशीला मनोत्तेजक कैप्सूल बिक्री करने वाले दो नशे के सौदागर गिरफ्तार। बाकी मोगरा से आकर नशीले कैप्सूल को घूम घूम कर कुसमुंडा क्षेत्र में बिक्री कर रहे थे। कुसमुंडा पुलिस ने आरोपियों से 928 नग नशीला कैप्सूल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि गंगानगर ठाकुर देव चौक के पास मोटरसाइकिल में सवार दो व्यक्ति नशीला मनोत्तेजक पदार्थ रख कर बिक्री करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की कार्रवाई किया गया। मोटरसाइकिल में सवार संदेही पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया। मोटरसाइकिल चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम हेम प्रसाद, पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम अनिल कुमार बताया, जिनको विधिवत कार्रवाई करते हुए तलाशी लेने पर कुल 116 स्ट्रिप में 928 नग कैप्सूल जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। न्यूज डेस्क मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।